अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के कमेंट्स वीडियो पे बंद करें या ना करें, सवाल ये है। और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ। देखो, अगर आप बहुत ज़हीन हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और किसी ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो जिसमें आप समझते हो कि यू आर सो इंटेलिजेंट, और वो चीज़ ऐसी है जो बहुत मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो उन लोगों का एक अकीदा बन चुका है, उनकी सोच बन चुकी है, और जो बात कहने जा रहे हो और उसका पर्पस ये है कि लोगों के जहन को साफ करो, उनको इस बात पे मजबूर करो कि वो कुछ सोचें, जो सुने उस तक ये मैसेज पैगाम पहुंचाने का मकसद है कि वो लोग इस चीज़ को सुने। तो जब तुम ये चाहते हो कि वो लोग मेरी बात को सुने, इस बात को गौर से समझना, जब तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारी बात को गौर से सुने, तो उनको इस बात का मौका दो कि वो वीडियो को देखें, वीडियो पर गौर करें और उसको सुने, उसको समझें, और उसके बाद उनको थोड़ा सा टाइम मिले उस चीज़ को एब्जॉर्व करने में, उस चीज़ पर गौर करने में। क्योंकि जब इनपुट चला गया तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा, और प्रोसेस होने के बाद कोई ना कोई आउटपुट भी हो सकता है। मे भी वो किसी और से डिस्कस करे, मे भी उस चीज़ के ऊपर वो सोचे, तो पर्पस जो है उस चीज़ का वो इससे थोड़ा सा पूरा होगा। लेकिन YouTube के अंदर अगर उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स ऑन हुए तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी ये कि आने वाला वीडियो देखने के बजाय अगर वीडियो नहीं देखता और कमेंट्स में चला गया, और उस कमेंट्स में जाहिर है वो टॉपिक अगर जिस पे तुम बोल रहे हो वो अगेंस्ट मोस्ट बिलीव्स जा रहा है, जो ब्लाइंड बिलीव्स हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इस बात के लिए तो तैयार हो कि आ बैल मुझे मार। तो जब आ बैल हो जाएगा तो आपके ऊपर हमले ज़्यादा होंगे, गालियाँ ज़्यादा पड़ेंगी, बुरा वाला ज़्यादा बोला जाएगा। इस सूरत में जाहिर है नेगेटिव कमेंट्स बहुत हैं, और आप ये बात समझ लो, तुम्हारा खुद का अपना एक्सपीरियंस है यकीनन लाइफ में, कि नेगेटिव चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है अगर आपको काटने के लिए, क्योंकि शक जल्दी आ जाता है ना, कि अगर कोई भी आपके पॉजिटिव चीज़ में कोई एक ऑब्जेक्शन उठा दे, कोई सवाल कर दे, तो अगला बंदा लेट सपोज उसने पूरी वीडियो देख ली, समझ ली, गौर कर ली, अब अगर वो थोड़ा सा गौर करना चाहता लेकिन नीचे कमेंट्स में चला गया और वो सवाल या नेगेटिविटी कोई उसने पढ़ ली, तो वो जो थोड़ी देर के लिए उसका पॉजिटिव माइंड बन रहा था, जो थोड़ी देर के लिए वो उस फेज पे आया था उस मैसेज के जो तुम उसे देना चाह रहे थे, वो वहीं उसी वक्त ब्रेक हो जाएगा, इग्नोरेंस में चला जाएगा। इतना वो सोचेगा अच्छा ऐसा है, इसने जिसने जो सवाल किया पॉइंट तो ठीक है, ऐसा ही है ये वीडियो में यकीनन ऐसा ही होगा, बेकार है, छोड़ो, चलो भाई काम खराब, ये होगा नुकसान। तो ऐसी वीडियो के अंदर जब कमेंट्स बंद होंगे, पूरा गेट खत्म भाई। जब आपको पता है कि आप इस टॉपिक पर बोल रहे हो जिसकी वजह से आपके खिलाफ ज़्यादा लोग आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो में कमेंट्स बंद कर दो, जो आपका मकसद नहीं है, कमेंट लेना मकसद तो नहीं था ना, दिस इज द पॉइंट, मकसद बात पहुंचाना है ताकि अगला सोचे और करे और उसका जो धक्का है ना दिमाग का और पर्दा वो खुल जाए। तो ये उसी वक्त होगा जब उसका आप फोकस आपकी वीडियो पर हो, नीचे कमेंट्स पर ना हो। तो कमेंट्स बंद, फोकस ऑन वीडियो, और उसको देख कर सुनने के बाद वो जाके जिससे मर्जी डिस्कस करें, जिससे मर्जी वीडियो शेयर करें, मेरी वजह से ना, टेंशन खत्म, इस चीज़ की टेंशन मत लो। फिर वो कुछ भी करता है इस वक्त उसने सुना है, उस वक्त उसको मौका ना दो कि वो ऐसे टॉपिक पर वीडियो सुन के नीचे जाए कमेंट्स में और उसका दिमाग वापस डाइवर्ट हो जाए। वो जो इतनी मेहनत से तुम वीडियो रिकॉर्ड करोगे, इतनी प्रिपरेशन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके बात करोगे, तो उसका मकसद नहीं रहता। अब खुद सोचो, अगर वो बंदा जो वीडियो सुन रहा है, उनमें बहुत से लोग तो होंगे ना जो डिनाय वैसे ही कर सकते हैं, जो नेगेटिव माइंड होते हैं, लेकिन बहुत से पॉजिटिव भी पॉजिटिविटी की तरफ तो आएंगे ना। तो अगर उन्हें मजीद कोई सवाल करना हो उस चीज़ पर, मजीद कोई चीज़ सीखना चाहें और कांटेक्ट करना चाहें, तो वो जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर लेगा और मकसद हमारा जो पूरा हो जाएगा उस वीडियो से। बनिस्बत एज कम्पेयर के मैंने जो बता चुका कमेंट्स ऑन करने से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो बस गौर कर लो कि अगर वीडियो से मकसद ये है कि दूसरों तक बात पहुंचे और वो टॉपिक बहुत जहानत वाले और अकल वाले लोगों के लिए है, तो आप उस टॉपिक्स के अंदर कमेंट्स को क्लोज आउट कर दो। वो मकसद नहीं है, वो आपको पता है गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले वैसा ही करेंगे। सो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि करना है क्या है। तो ये है चीज़। बाकी नॉर्मल वीडियोस में, नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर, उनमें कमेंट्स अकाउंट रखने में क्या है, वो तो नॉर्मल डिस्कशन होती है, लेकिन जहाँ बात मेजोरिटी के खिलाफ जा रही है, उनके सवाल उठा रही है, उनकी बंद सोचों पर जो सालों से सोच रहे हो, ये किस चीज़ के ऊपर चल रहे हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, तब आपके अगेंस्ट आने वाले ज़्यादा खड़े होंगे, क्योंकि वो यूज टू है उस चीज़ पर, तो उन्हें हजम नहीं होता। और या ये समझ लो कि उसमें फिर जेलिस हसद करने वाले भी ज़्यादा है ना, ये यार हम सारे इस पे तो चल रहे, तू कौन आया भाई उठकर, क्या बातें कर रहा है,
अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझ रहा है, तो इस टाइप के लोग भी बड़े टकराते हैं। तो ये थी चीज़ आज के लिए फिलहाल, जो थोड़ी बहुत मेरी डिस्कशन करनी थी, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखना, मैं था ज़ीशान अरशद, और चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो मर्जी है। अल्लाह हाफिज़।